हेलो स्टूडेंट्स, आज हम फिर एडवर्टाइजमेंट का नेक्स्ट टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं, ठीक है। और इससे पहले मैंने आप लोगों को पहले वाले वीडियो में बताया था क्या अनाउंसमेंट एंड स्कूल एडमिशन, यानी कि स्कूल एडमिशन में जो अनाउंसमेंट होती है, ठीक है, तो उसके बाद मैंने आपको एडवर्टाइजमेंट लिखने के लिए बताया था। लेकिन आज हम जो एडवर्टाइजमेंट का टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं वो क्या है, वॉन्टेड अ हाउस। समझना क्वेश्चन, पहले क्वेश्चन कह रहा है कि यू वॉन्ट अ परचेज अ न्यू हाउस इन दिल्ली, ड्राफ्ट अ सुटेबल क्लासिफाइड एडवर्टाइजमेंट इन अ न्यूज़पेपर। देखो, इसमें वांटेड हाउस और सेल, सेल वांटेड अ फ्लैट, ठीक है। तो एक तो होता है बेचने के लिए और एक होता है खरीदने के लिए, ठीक है। तो देखो, दोनों का जो कंटेंट होता है, दोनों का ये कंटेंट सेम होगा, दोनों का ये जो कंटेंट होगा वो सेम होगा, लेकिन ये जो हेडिंग होती है बस वो चेंज हो जाएगा, हेडिंग आपका चेंज हो जाएगा और बाकी का जो कंटेंट होगा वो सेम होता है। या अगर आपको खरीदना है, ठीक है, तो इसके जगह पर हम वांटेड लिख देते हैं। अगर आपको खुद को, अगर आपको बेचना है तो फिर हम क्या लिखते हैं, पर सेल, सेल अ हाउस, ठीक है। तो अब देखना, इस क्वेश्चन को पहले समझते हैं, क्योंकि जब हम किसी भी एडवर्टाइजमेंट का प्रॉपर आंसर तभी दे पाएंगे जब हम उसके क्वेश्चन को प्रॉपर समझ पाएंगे कि इसमें हमें करना क्या है एक्चुअल, ठीक है। कभी कभी क्या होता है, हमें यहाँ पर हमें ऑलरेडी दे रखा है यू वॉन्ट, इसका मतलब क्या है कि आपको मतलब खरीदना है, आपको बेचना नहीं है। तो जब खुद को खरीदना है तो उसके लिए हम किस किस वर्ड का यूज करते हैं, वॉन्ट का। अगर मान लो बेचना होता, यू सेल अ हाउस, ठीक है, तो वहाँ पर हम, यहाँ पर वॉन्टेड के हम सेल लिख देते हैं, लेकिन यहाँ पर हमें क्या करना है, खरीदना है, तो यहाँ पर हम वॉन्टेड लिखेंगे। तो सबसे पहले हमें क्या डालना है, लिखना है टॉपिक का नेम, यानी टॉपिक को नेम, टॉपिक के नेम से इसको हम डिफाइन करेंगे क्या हम लिख रहे हैं, ये एडवर्टाइजमेंट लिख रहे हैं। एडवर्टाइजमेंट यानी टॉपिक को डिफाइन करने के बाद फिर हमें क्या बनाते हैं, बॉक्स बनाते हैं। बॉक्स बनाने के बाद हम हेडिंग को मेंशन करते हैं, यानी कि हेडिंग क्या है, वांटेड अ हाउस, क्योंकि यहाँ हमें हेडिंग कहाँ से मिलती है, क्वेश्चन में से ही हेडिंग, ये हमारे क्वेश्चन में ही दिया हुआ आता है, तो इस क्वेश्चन से ही इस हेडिंग को बनाते हैं। तो सबसे पहले इस हेडिंग को लिखने के तुरंत बाद ही हमें पता चल जाएगा कि क्या करना है, हमें घर को खरीदना है। अब उसके बाद हम क्या डालते हैं, डेट। देखो, एडवर्टाइजमेंट लिखने के दो या तीन पॉइंट मेन मेन है। सबसे पहले आपको क्या करना है, टॉपिक का नाम मेंशन करना है, फिर उस टॉपिक को, टॉपिक के क्वेश्चन की हेडिंग को मेंशन करना है, उसके जस्ट बाद आपको डेट मेंशन करना है। ये तीन मेंशन करने के बाद सबसे पहले जो हम लिखते हैं कि हमें क्या चाहिए। देखो, वांटेड आर इमीडिएटली, वांटेड इमीडिएटली अ न्यू हाउस इन डिफेंस कॉलोनी लाजपत नगर। देखो, ये एड्रेस हमें नहीं दिया गया क्वेश्चन में, ठीक है। तो जब ये एड्रेस हमें इस क्वेश्चन में नहीं दिया गया है तो हम ये एड्रेस अपने मर्जी से लिखेंगे, ठीक है। यानी देखिए, ध्यान देना, यहाँ पर हमें ये सिटी का नाम मेंशन किया गया है, तो ये एड्रेस आप जो भी लिखोगे उस शहर का नाम मेंशन करना जरूरी होगा, ठीक है। ये डिफेंस कॉलोनी लाजपत नगर दिल्ली में है, दिल्ली के किसी और भी जगह का नाम आप यहाँ पर मेंशन कर सकते हैं, लेकिन शहर का नाम आप चेंज नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि आपको क्वेश्चन में इसी शहर का नाम दिया गया है। दूसरी बात, तो सबसे पहले क्या, वांटेड इमीडिएटली अ न्यू हाउस इन डिफेंस कॉलोनी लाजपत नगर दिल्ली। ये हो गया कि आपको इस जगह पर, इसी जगह पर आपको घर चाहिए, आप रह कहीं और रहें लेकिन आपको जगह कहाँ चाहिए, इस एड्रेस पे, ठीक है, इस एड्रेस पे आपको जगह चाहिए। तो अब इस एड्रेस को मेंशन करने के बाद अब आपको उस घर के अंदर क्या क्या फैसिलिटीज होनी चाहिए वो हम मेंशन करते हैं, ठीक है। आपको कहाँ चाहिए और उस घर में क्या क्या फैसिलिटी होनी चाहिए, ये दो इसके मेन पॉइंट है, और इन्हीं दोनों मेन पॉइंट के अकॉर्डिंग हम इस एडवर्टाइजमेंट को पूरा करेंगे। सबसे पहले क्या है, इन दिस हाउस वन कैनल कोठी विद अटैच लॉन, यानी कि उस कोठी में, उस घर के अंदर क्या होना चाहिए, लॉन, यानी कि बाहर जो खुला बगीचा टाइप का होता है वो उसके अंदर अटैच होना चाहिए, उसके साथ होना चाहिए। दूसरा क्या है, मॉडर्न फिटिंग इन द रूम्स, यानी रूम्स में क्या होनी चाहिए, जो फिटिंग होनी चाहिए, जैसे होता है ना अंडरग्राउंड जो फिटिंग होती है, ठीक है, उसको हम मॉडर्न फिटिंग कहते हैं। जितने भी इलेक्ट्रिक वायर्स वगैरह होते हैं वो दीवारों के अंदर होते हैं, ठीक है, तो उसलिए हम इसमें कह सकते हैं कि मॉडर्न फिटिंग इन द रूम, यानी उस घर के अंदर, यानी उन कमरों के अंदर जो फिटिंग होनी चाहिए इलेक्ट्रिसिटी की, वो क्या होनी चाहिए, मॉडर्न होनी चाहिए। दूसरी बात, जो पाइप लाइन वगैरह होती हैं वो भी क्या होती हैं, ऑलमोस्ट ढकी होती हैं, तो उसको मॉडर्न फिटिंग के अंदर में लेते हैं। गुड प्राइस अफोर्ड फ्रॉम रियली गुड क्वालिटी, यानी कि अच्छे, यानी कि अफोर्डेबल प्राइस में, ठीक है, अफोर्डेबल प्राइस में एक अच्छी क्वालिटी की इनकी डिमांड है, यानी कि अच्छी कम दाम में अच्छे से अच्छी जगह को ये लेना चाहते हैं। इस लाइन का मतलब ये है कि गुड प्राइस, यानी कि अच्छे प्राइस में, ठीक है, अफोर्ड फॉर अ रियली गुड क्वालिटी। दूसरी बात,
फिर उसके बाद जैसे तीन चीजें मेन हो गई, यानी कि इन तीन चीजों के अकॉर्डिंग, इन तीन पॉइंट्स के अकॉर्डिंग हमने क्या कर दिया, उस हाउस का, उस कोठी का, कोठी के हमने फीचर्स को बता दिए किस तरीके से हमें उस कोठी के अंदर चाहिए। उसके जस्ट बाद हमें लिखना होता है क्या, इमीडिएट पोजेशन वांटेड। उसके बाद यहाँ पर यह बताया गया है कि उसको घर की काफ़ी ज़्यादा ज़रूरत है, यानी कि इमीडिएट, यानी तुरंत ही उसको घर अगर मिल जाए तो परचेज करने के लिए एग्री है। तो ये लाइन हमें यह डिफाइन कर रही है कि इमीडिएट पोजेशन वांटेड। दूसरी लाइन ये है कि अब उसके बाद देखो, यहाँ पर जब इसने फीचर्स और अपनी नीड को जैसे इसने प्रेजेंट कर दिया, तो उसके बाद क्या करना होता है, अब हमें अपना एड्रेस लिखना होता है, यानी अपनी डिटेल डालनी होती है। जिसको चाहिए होगा वो अपनी डिटेल डालेगा, उसकी डिटेल मान लो कोई सा भी एड्रेस और प्लस कॉन्टैक्ट नंबर डाल सकते हो आप, क्योंकि एड्रेस इसमें कुछ नहीं दिया गया है, तो आप अपने मर्जी से कोई सा भी एड्रेस डाल करके और मोबाइल नंबर डाल सकते हो। ये एड्रेस उसका है जो घर खरीदना चाहता है, ठीक है, और ये पूरी डिटेल उसकी होगी जो ये घर खरीदना चाहता होगा, ठीक है। और इसी तरीके से बेचने के लिए भी क्या होता है, ये सारी चीज़ें उसी में होंगी, यहाँ बॉन्डेड किसी का सेल हो जाएगा, लेकिन और यहाँ भी सेम, यहाँ भी वही एड्रेस होगा, लेकिन ये एड्रेस किसका होगा, जो बेचना चाहता है, और जिसको खरीदना होगा वो उस एड्रेस पर जाकर उसको संपर्क करेगा या उसको इस नंबर पर फोन करेगा, ठीक है। कि दोनों दोनों क्या है, सेम है, वांटेड यानी कि परचेज करना और सेल करना, यानी आप परचेज कर रहे हो, ठीक है, खुद खरीद रहे हो तो आपका एड्रेस आएगा, अगर आप सेल कर रहे हो तो भी आपका एड्रेस आएगा, और बाकी सारा का सारा ये जो कंटेंट होगा, ये सारा का सारा कंटेंट सेम होता है, इसमें कहीं कोई चेंजिंग नहीं होती है। बस आपको इस क्वेश्चन को देखना, और इस क्वेश्चन को देखना होता है, और इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ही आप यहाँ पर एडवर्टाइजमेंट की हेडिंग को प्रेजेंट करते हैं, ठीक है। तो अब ध्यान देना कि अगर सेल का हो या परचेज का हो, ठीक है, अगर आप सेल करते हैं तो भी यही कंटेंट आएगा, अगर आप परचेज करते हैं तो भी यही कंटेंट आएगा, चेंज बस यहाँ पर हो जाएगा, सेल की जगह परचेज हो जाएगा, ठीक है, और परचेज की जगह सेल हम कर सकते हैं। ये एड्रेस ऐसे सेम एड्रेस आपको उसमें भी लिखना होगा, सेलिंग में भी और परचेजिंग में भी, ठीक है। और ये जो फैसिलिटी होती है एक कमरों के अंदर, एक फ्लैट के अंदर, एक घर के अंदर, वो सारी फैसिलिटी दोनों में लिखी जाएंगी, ठीक है। तो इसके अकॉर्डिंग हम इस एडवर्टाइजमेंट को, और सेलिंग एडवर्टाइजमेंट और परचेजिंग एडवर्टाइजमेंट दोनों को हम एक ही फॉर्मेट के अकॉर्डिंग लिखेंगे, ठीक है। ओके, थैंक यू।